Assalamualaikum everybody, welcome back to another very beautiful video. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. और ये लाइटर मैंने उन लोगों के लिए लिया है जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देख रहे होते हैं. बस तुम लोगों का इलाज कर लूँगी मैं. ये 5 कप हम लोगों ने पैन में दूध लिया है एंड लेट इट बॉयल. जब इसको उबाला आ जाए तो उसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून लेमन डाल देना है. ये हलवा तब ही बनाएंगे आप जब आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट करेंगे कि भाई इतना दूध आप ज़ाया नहीं करने वाले, इसका कुछ ना कुछ बनेगा, राइट? और ये दूध हम लोगों ने फटा लिया है अपना. अब 1 कप हमने दूध लेना है. इसमें हमने डाला जी 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है चोको पाउडर. ये ब्राउन कलर के लिए होता है एक्चुअली. अगर ब्राउन कलर अवेलेबल है फूड कलर तो हम वो भी डाल सकते हैं. और 1 चम्मच इसमें हमने डालना है गेहूं का आटा, जिस आटे की हम रोटी खाते हैं वो वाला आटा. उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है. एक्चुअली ये रिश्वत दे रहे हैं हम फटे हुए दूध को कि भाई हमारा हलवा अच्छा बना दें. यहाँ पे जस्ट आपकी एक एहतियात है कि जब आपने चम्मच इसमें हिलाना है तो ध्यान ये रहे कि बहुत हल्के हाथ से चम्मच हिलाना है कि आपके दाने बरकरार रहें. अब ये जो दूध हमने 1 कप डाला है उसको भी सुकून से रहने नहीं देना, उसको भी फाड़ना है हमने. तो ये मैंने सिरका लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून और ये हम लोगों ने दूध में ऐड कर दिया है. आँच बिल्कुल हल्की करके हमने दूध में ऐड करना है क्योंकि ये ना हो यहाँ से हम उसको फाड़ रहे हो वहाँ से वो ऊपर चढ़ाओ उबल उबल के. एंड इसको बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, चम्मच इसमें हिलाते ही रहना है. और ये जितनी आसान रेसिपी है ना, अगर ये भी तुम लोगों से नाना बनी तो बस फिर भाई अल्लाह हाफिज़ है तुम लोगों का. अपनी अपनी फिक्र करना शुरू कर दो. इतना सा ये गाढ़ा हो जाए, इतनी थिक हो जाए, तो हम लोगों ने इसको फ्राइंग पैन में शिफ्ट कर लिया ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो सके. मुल्तानी हलवे का टेस्ट ही तब निकलता है जब इसकी अच्छे से भुनाई हो. बिल्कुल पानी हल्का हल्का सा रह जाए तो हमने इसमें शुगर ऐड कर दी. शुगर इस पॉइंट पे ऐड करने का मकसद था कि ये लेसदार हो क्योंकि ये पानी छोड़ेगी. और इसमें हम लोगों ने इलायची पाउडर ऐड करना है. मेरे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इलायची दाना ऐड कर दिया, ठीक है. और ये हमारा मास्टर शेफ़ आ गया है जी हलवा पकाने. चीख चीख के सारी दुनिया को बता रही है कि भाई मुझे देख लो, मैं यहाँ पे बैठ के पुप्पो के साथ ड्यूटी पे कर रही हूँ. ऐसे 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 कैसे ले जी, कम करीब पहुँच चुका है. ये थिकनेस हमारी आना शुरू हो गई है. इस पॉइंट पे हमने इसमें नट्स ऐड करने हैं. मेरे पास सिर्फ बादाम अवेलेबल थे तो मैंने इसमें बादाम डाले हैं. आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं. जिन्हें नट्स पाओगे उन्हें स्वाद आएगा. अब चम्मच हिलाने पे जब आपको लगे कि हलवा इकट्ठा हो रहा है तो इस पॉइंट पे हमने इसमें घी ऐड करना है. पहले 2 चम्मच ऐड किया और इसको हिलाने के बाद जब ये गायब हो जाएगा तो हमने इसमें 2 चम्मच और ऐड कर दिए. टोटल इसमें मैंने 4 चम्मच घी ऐड किया है. अगर आपके घर में कोई नखरे करने वाला बंदा मौजूद नहीं है तो इसमें आप देसी घी भी ऐड कर सकते हो जो कि 4 चांद लगा देंगे टेस्ट को, ठीक है. अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है. चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना ताकि ये अपनी थिकनेस ले ले. बिकॉज अगर रनी हुई इसकी कंसिस्टेंसी तो भाई मसले हो जाएंगे. जितने ऐना इंतज़ार किते थोड़ा और सही. तो ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए. इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे जिस डिश में हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है. कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं, शीशे का बर्तन ले सकते हैं. और अगर आप में सब्र है तो इसको ओवरनाइट स्टे करने दें ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद निकले. और अगर आप बेसब्रे हैं मेरी तरह तो इसको 2 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि इसको फटाफट से हम खाने के काबिल बना सकें. डिश में से निकालने के बाद जो पैन बचा था वो अच्छी तरह से चटम कर लिया गया है. मुझे साफ़ नहीं करने दिया गया क्योंकि अगर मैं साफ़ करती तो मेरे व्याहते बारिश हो जानी है मेरी मम्मा के अकॉर्डिंग. हमारा हलवा तैयार हो चुका है. यम 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 यम. खाना है आपने? खाने किस बुके में? खाने इस बुके में खाना. चलो हम इसको काटते हैं, ठीक है. इसकी हम पीसीस करते हैं.
ये हमने थोड़ा सा माहौल शोहल बना के पार्टी करने की तैयारी की। बाय द वे, ये जो मेरी छोटी क्यूटू सी कैंडल है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की हुई है। एंड यस, ऑल रेडी टू ईट। ये हम थोड़े से शशके मारते हुए इस तरह से हम इसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, कैंडीज भी बना सकते हैं। बंदा मेहनत करने वाला होना चाहिए, कुछ भी बन सकता है, समझ आइए। एंड ये जिसकी थी वो हमारे सरहाने ही खड़ी हुई है, जो कि हमें पैक करने नहीं दे रही। वो कह रही है तुम मुझे ऐसे ही दे दो, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, तुम इतने शशके मारने की ना कोशिश करो। तो मुझे कभी कभी ख्याल आता है यही फबीहा होगी जो बड़ियों की पुप्पों पे मीम्स बनाएगी। खबरदार फबीहा। एंड हियर वी गो। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है अंगूरी, उसका मकसद ही सिर्फ दाने को बरकरार रखना होता है, बाकी सब बातें एक साइड पे। गुइनेस चेक कर रहे हो आप इसकी, सॉफ्टनेस चेक कर रहे हो भाई, और मेरे सब्र का लेवल आप सामने शेडो से देख सकते हो। बाकी जो बचा वो हमने अपने पार्टनर को खिलाया। एंड हियर वी गो। यहाँ पे हम अपने इस व्लॉग का एंड करते हैं। मैनी मोर टू कम। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वाली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिएगा। ये हमने बाकी सेव करके फ्रिज में रख दिया। एंड थैंक यू सो मच।